गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग मैम। कैसे हो आप लोग? अच्छे हैं। अच्छे हो? यस मैम। अच्छा, सभी ने नेल्स काटे हैं? यस मैम। दिखाओ जरा परी, आप दिखाओ। अरे परी ने तो नेल पेंट भी लगाया। परी ये मत लगाया करो, आप बच्चे हो ना, आप तो नहीं लगाओगी? ठीक है, आप थोड़े नेल्स कटवा लेना मम्मी से। हाँ देखो, आज के बहुत अच्छे कटे हुए हैं, इन्होंने अच्छे से काट रखे हैं। आप दिखाओ। ठीक है, आपके क्या लगाए? मेहंदी? हाँ आपके भी कटे। नेल्स बड़े होते हैं तो क्या होता है, उसमें अंदर गंदगी घुस जाती है, मिट्टी घुस जाती है, फिर उससे हम खाना खाते हैं पेट में गंदगी चली जाती है, बैक्टीरिया चले जाता है, उससे हम बीमार पड़ जाते हैं। और बीमार पड़ते तो कहाँ जाना पड़ता है? डॉक्टर के पास। ठीक है, सब साफ सुथरे रहना। ठीक है, ओके। आज मैं आपको योग के फायदे बताऊंगी। योग से हमें क्या क्या फायदे होते हैं वो बताऊंगी। योग तो जानते ही होंगे, जो सुबह उठकर सब लोग एक्सरसाइज करते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं अपने गार्डन में, ठीक है, पार्क में जाते हैं सब लोग ज्यादा से ज्यादा। आप में से कौन जाता है सुबह? अच्छा, आप जाते हो। चलो आज हम योग के फायदे। तो योग करने से पता क्या होता है, एक तो हमारा शरीर सही रहता है ना, एकदम लचीला हो जाता है, और क्या होता है, हम मोटे भी होते हैं। मोटे नहीं, पतले। हम स्ट्रांग हो जाते हैं, और जो हमारे शरीर में फैट होता है वो भी कम हो जाता है ना। yes, ये बहुत अच्छा होता है, योग करना अच्छा होता है ना। yes, सब योगा क्या करो डेली, सब करेंगे सुबह उठकर। अच्छा, तो इसे करने से देखो मन में शांति भी मिलती है, मिलती है ना मन में शांति। मन में शांति मिलती है और दिमाग भी एकदम दुरुस्त रहता है, ताजा अच्छे से काम करता है। मन में शांति रहती है और दिमाग भी तेज काम करता है हमारा। जैसे हमें कोई चीज याद नहीं हो रही ना स्कूल की, मैम ने याद करने के लिए दिया तो याद नहीं हो रही, हम वो जैसे करते हैं ना, तो हमारा दिमाग भी ताजा होता है और हम अच्छे से उन चीजों को याद कर लेते हैं। तो सभी योगा करा करेंगे? आप क्या खा रहे हो? ऐसे नहीं खाते? ओके। और योग करने से शरीर में ऊर्जा का संचार करता है, ऊर्जा भी होती है हमारे शरीर में, या ऊर्जा यानी कि एनर्जी। एनर्जी जैसे कि किसी लोगों को देखा ऐसे ही पड़े रहते हैं, बिल्कुल लूज आलस आता है उन्हें, वो कुछ भी कर नहीं सकते। अगर हम योगा करते हैं ना तो हमारे अंदर एनर्जी भी आती है, हम एक काम को फटाफट से कर देंगे भाग के तुरंत। और कोई कोई होता है ना किसी की ऐसे बिल्कुल ऐसे पड़ा रहता है, आलस आता है, तो वो योगा नहीं करते हैं। तो सब योगा करेंगे ना। योगा करने से क्या होता है, एनर्जी आती है। क्या आती है? एनर्जी। जैसे कि हमारे घर में इमरजेंसी लाइट होती है और जैसे वो डाउन हो जाती है, बहुत कम कम दिखती है ना, फिर हमें उसे तेज करने के लिए क्या करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है ना। एक चार्जर होता है या फिर सेल होता है, उसको हम चार्ज करके बैटरी में लगाते हैं तो बैटरी एकदम तेज रोशनी देती है ना। इसी तरह हमारा शरीर भी, हमें भी अपने शरीर को योग के जरिए चार्ज करना चाहिए। अगर हम योग करेंगे ना तो हमारे अंदर एनर्जी आएगी, पावर आएगी, और हम अच्छे से फुर्ती से बहुत तेज दौड़ के काम भी कर सकते हैं, हम ऐसे लूजर की तरह नहीं रह सकते। ठीक है, सब योग करेंगे ना। yes, योग करने से क्या होता है, मन शांत रहता है और दिमाग ताजा रहता है, हम कुछ भी चीज अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, और हम एकदम फिट रहते हैं, बीमार भी नहीं होते हैं, है ना। योग करने से हम बीमार भी नहीं होते हैं। तो सब करा करेंगे। yes, और जैसे कि हमारे मन में कोई टेंशन है, दिमाग में कोई टेंशन है, तनाव है, ये भी बहुत जल्दी दूर हो जाता है, ये सब नहीं रहता। अच्छे से बैठो। ठीक है, तो पता चला योग के फायदे। yes, और जो हमारा हृदय होता है, हृदय यानी कि दिल, दिल भी स्वस्थ रहता है, अच्छे से काम करता है ना। yes, तो हमारे जो भी बॉडी पार्ट है, इंटरनल पार्ट है ना, वो सब काम करते हैं अच्छे से। yes, किस चीज से काम करते हैं? योगा करने से। योगा सुबह होता है एकदम। ठीक है, सब करेंगे। yes, ओके। वजन कम करने में भी मदद करता है, फिट रहने में मदद करता है ना। किसी को देखा किसी का पेट बढ़ जाता है, किसी के ये बढ़ जाते हैं, तो हम
योगा करते हैं तो बिल्कुल फिट रहते हैं पूरे शरीर से और अच्छे से चल सकते हैं, भाग सकते हैं, कोई भी काम बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं, ऐसे लूजर की तरह नहीं कर सकते। योगा करेंगे तो एकदम हम फिट रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, क्या रहेंगे, फिट रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे। और